ग्वालियर में भारत बंद का मिलाजुला असर देखने मिला। आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के खिलाफ अलग अलग सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया, खासकर शहर के झलकारी बाई पार्क पर अलग अलग रैलियां पहले इकट्ठी हुई, इसके बाद वह हजारों की संख्या में एकजुट होकर फूलबाग स्थित अम्बेडकर पार्क के लिए रवाना हुए। इस रैली के दौरान बड़ी संख्या में फोर्स भी मौजूद रहा। एसपी धर्मवीर यादव के मुताबिक 3000 जवान जिले भर में तैनात किए गए, 50 मोबाइल पार्टी लगातार सर्चिंग मोड में रही। राहत की बात यह रही कि शांतिपूर्ण तरीके से रैली अम्बेडकर पार्क पहुंची, जहां एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि 2 अप्रैल 2018 को एट्रोसिटी एक्ट को लेकर बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जो बाद में बड़ी हिंसा में बदला था। ऐसे में बुधवार के प्रदर्शन दौरान शांतिपूर्ण बंद प्रदर्शन हुआ। हालांकि शहर के दर्जनों स्कूलों ने छात्र छात्राओं की सुरक्षा के हिसाब से छुट्टी रखी, साथ ही कई सिटी लोकल ट्रांसपोर्टर ने भी रैली खत्म होने तक बंद रखा। देख रहे हैं खबर अर्पण न्यूज। इस समय मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि बहुजन समाज पार्टी ने कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर आंदोलन किया है। आइए जानते हैं हमारे साथ कल्याण कंसाना जी, जो कि बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता हैं ग्वालियर शहर में, जानते हैं उनसे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। सर, आज का मुख्य उद्देश्य यही है, बहन कुमारी मायावती जी के आह्वान पर निर्देशानुसार ग्वालियर जिले का बहुजन समाज पार्टी का सारे पदाधिकारी कार्यकर्तागण शांति मार्च निकालते हुए हम लोग फूलबाग पहुँचेंगे। बाबा साहब की प्रतिमा पे हमारे झलकारी पार्क से स्टार्ट होकर वहाँ समापन है, और हम आपके माध्यम से यही बताना चाहेंगे केंद्र की सरकार को कि आप अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के साथ मजबूती से रखें। जो छेड़छाड़ अभी की गई है, ये क्रिमिनल लेयर जो लगाने का प्रयास किया जा रहा है, बिल्कुल भी बहुजन समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। यदि मान लो सरकार नहीं मानती है तो इस आंदोलन को कहां तक ले जाना चाहिए? आंदोलन जब तक इसमें आप उसको संशोधन नहीं करेंगे, इस कानून को वापस नहीं लेंगे, तब तक आंदोलन जारी रहेगा पूरे देश में। आज भी पूरे देश में बंद है सब कुछ। अंततः आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? अंततः सरकार को हम यही कहना चाहते हैं, एसटी एससी के साथ में भेदभाव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी बहुजन समाज। आप इस पर संज्ञान लें, और जो भी अभी जो इसमें छाटाबीनी जो की गई है उसमें सुधार करें। तो ये थे हमारे साथ कल्याण कंसाना जी, इनका कहना ये है कि आंदोलन को और भी बढ़ाया जा सकता है, और पूरे देश में ये आंदोलन चल रहा है इस तरह का बसपा का। अब देखना ये है कि सरकार इनकी बात को मानती है या ये आंदोलन ऐसे ही चलते रहेंगे। टीवी न्यूज़ खबर अर्पल के लिए ग्वालियर के झलकारी बाई पार्क से मैं राजकुमार शर्मा।